all twerking like Molly. Oh yeah, twerking like Molly. रुका क्योंकि नंदन कुमार होकर जो हम लोग ने एक अलग लेम लिए थे रिटर्न घर जाने के टाइम पे, तो वहाँ पे हम लोग ने वेसल में सवारी की है। बाइक को लेके नदी के ऊपर से हम लोग को उस साइड आना पड़ा था, तो वहाँ पे एक चीज़ अच्छा हुआ, एक वेसल में गाड़ी को लेके जाने का एक अलग व्यू मिला और अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मेरा साथ जो मेरा पिलियन था उसका घर था मेरा घर से ऑपोजिट साइड में, तो उसको छोड़ने के लिए मैं आगे गया। तो बाकी मेरे साथ अभी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ क्योंकि सबको मैंने छोड़ दिया। सबको मेरे तरफ से टाटा बाय बाय, और बहुत अच्छे थे सब, सारे के सारे बहुत अच्छे थे, बहुत इंजॉय किए एक साथ, बहुत कॉपरेट किए मेरे साथ। और स्पेशल थैंक्स टू पुलिसुदा जो मुझे इस ट्रिप में इन्वाइट किया था एंड मुझे बार बार बोल रहा था कि अली भाई तुम आओ एक साथ चलते हैं, लॉन्ग ट्रिप है, रोड ट्रिप है, अच्छा लगेगा। रियली मन से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर पुरचुदा। एंड इसके अलावा मैं यहाँ से एक जगह और जाने का प्लान कर रहा हूँ, वो है डायमंड हार्बर रिवर साइड, क्योंकि डायमंड हार्बर का डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 किलोमीटर मुझे रन करना पड़ेगा। तो घर जाते जाते और एक साइड में भी विजिट हो जाएगा, तो अभी यहाँ से मैं जाऊँगा डायमंड हार्बर रिवर साइड, वहाँ पे कुछ पिक्चर वगैरह लूँगा, फ़ोटोशूट करूँगा। फ़ोटोशूट तो बोलना नहीं है क्योंकि चेहरे का हालात आप देख रहे हैं कैसा है, 3 दिन से नींद नहीं है, राइड पर राइड होता जा रहा है, बहुत लंबा राइड चल रहा है और बहुत जगह विजिट किया मैंने, तो पूरा हालात ख़राब है। घर का भी याद आ रहा है, फैमिली वालों की भी याद आ रहा है, घर से फ़ोन भी आ रहा था। यहाँ से अभी मैं निकलता हूँ, यहाँ से हम जाते हैं डायमंड हार्बर रिवर साइड में, कुछ पिक्चर्स लेंगे, थोड़ा सा कुछ वीडियो लेंगे, आप सबको दिखाएंगे। एंड दिल से आप सबको भी थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, एंड हमेशा की तरह आपका प्यार, हमारा परिवार ड्राइवर राइडर अली तो मेरे वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, राइट साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, तो येलो कलर का एक आइकन है, उसमें जाकर जरूर दबा देना ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आपके पास तुरंत मिलता रहे। और बहुत कुछ किया यार, बहुत कुछ किया इस रोड ट्रिप में, अगर मैं नहीं जाता तो बहुत कुछ मिस कर जाता। हर टाइम मैंने यही बोला है आप सबको, ये मेरा रिक्वेस्ट है दिल से कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, अच्छा लगा कमेंट कीजिए, बुरा लगा कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं कि अच्छा ही कमेंट करना है, जैसा लगा आपको, जो खराबी लगा, जो अच्छा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स एक ऐसा चीज़ है ना जो मैं फील करता हूँ, आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि नहीं जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको ये वीडियो देख के कैसा लग रहा है, वो उसका एक ओपिनियन शेयर कर रहा है और एक क्या होता है ना, एक कनेक्शन बन जाता है। तो मेरा दिल से रिक्वेस्ट है आप सब कमेंट कीजिए। और एक चीज़ लास्ट मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट जो वीडियो है कोलकाता टू दीघा, उस वीडियो में मैं बहुत नर्वस था और रुको पसीना बहुत आ रहा है, सॉरी कंटिन्यू करते हैं। तो उस वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो मेरा बाइक है ये तो मेरा फेवरेट है, लेकिन एक इसमें दिक्कत है कि इसका जो हैंडल बार है ना लॉन्ग टूरिंग के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं बहुत नर्वस था कि इतना लॉन्ग टूरिंग मैं कैसे करूँगा, एक पिलियन लेके, जैसे मेरा लगेज देख रहे हैं पीछे है, इसके अंदर भी एक छोटा सा बैग है और एक पिलियन था उसका भी बैग था, तो बहुत मुश्किल रहा लेकिन हो गया। फिर भी एक चीज़, यामा को मैं दिल से बोल लूँगा कि मैं यामा का फ़ैन हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे आवाज़ अच्छा नहीं लगता, वो भी मुझे
बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यामा का मैं राइड कर रहा हूँ 2 साल से। हाई स्पीड में 100-120 के स्पीड में एकदम भी वाइब्रेशन नहीं फील होता है, और नॉर्मल स्पीड में भी सही है। एक एवरेज स्पीड में भी आप जाओगे 60-80 तो सही है। और हाँ, इसका माइलेज बहुत अच्छा है, 149 सीसी का बाइक है, 125-130 आराम से चलता है विद पिलियन विद लगेज। एंड इसका माइलेज मुझे एवरेज इसका माइलेज मिला 45-46, दैट इज़ गुड फॉर मी। एंड जिसके पास R15 या R15S है, शायद ये वीडियो अगर देखेंगे तो कमेंट जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सबका एक्सपीरियंस कैसा है। तो चलिए, और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, बहुत बकबक कर लिया। अभी यहाँ से मेरा घर का डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे अकेला पूरा राइड करना है अभी। तो अभी यहाँ से और एक जगह डायमंड हार्बर विजिट करेंगे। एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग ट्रिप रहा, रियली फ्रेंड्स, 3 दिन का ट्रिप था, बहुत ही चैलेंजिंग ट्रिप था। बाइक पे ऐसे ही घर वाले थोड़ा टेंशन करते हैं और छोड़ते नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे तैसे कैसे मना लिया घर वाले को। और अल्टीमेट दीघा, ताजपुर, उदयपुर, शंकरपुर, मंदारमुनि, न्यू दीघा, अमरावती पार्क, साइंस सिटी, जितना सारा वहाँ का स्पॉट था सारा जगह मैंने विजिट किया मेरे बाइक के साथ। ये नहीं रहता तो पॉसिबल नहीं होता, सच में ये नहीं रहता तो पॉसिबल नहीं होता। और हाँ, स्पेशली वहाँ का मोहना का वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लग रहा था मोहना का जब वीडियो देख कर रहे थे या जब हम गए, बहुत अच्छा है मोहना का जगह। सो अभी के लिए इतना ही, अभी चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसके बाद डामना में जाके मिलेंगे, उसके बाद हो सके तो थोड़ा और बातचीत करेंगे, अगर नहीं हो सके तो वहाँ से डायरेक्टली मैं घर जाऊँगा और थोड़ा रेस्ट लूँगा। बहुत बहुत बकबक कर लिया, चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, आप सब भी अच्छे रहिए, अच्छे से घूमिए, अच्छे से राइड कीजिए, सेफ राइड कीजिए, सेफ ड्राइव कीजिए, और नो फास्ट राइड, जस्ट सेफ्टी मस्ट। और एक चीज़, आपका प्यार हमारा परिवार ब्रावा राइडर्स, थैंक यू सो मच। मैं अभी के लिए इतना ही, अभी यहाँ से बाइक को स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। रहा मेरा पीछे डायमंड हार्बर रिवर, और ओ हाँ, हाथ में कुछ है, देखिए, बहुत भूख लग रहा था राइड करते करते, इसलिए सामने एक मौसी का दुकान दिख रहा था, वहाँ से चना ले लिया, चना खाते हैं।
रक्षाबंधन के दिन में रास्ते में कुछ सिविक वॉलंटियर ने रिक्शे के लिए बैंड बांध दिया हाथ में, लेकिन जाते वक्त कोई प्लान नहीं था कि डायमंड हार्बर रिवर साइड का कुछ ब्लॉग्स बनाएंगे, लेकिन अचानक मूड बन गया क्योंकि करना पड़ता है, आप सब के लिए करना पड़ता है, खुद के लिए भी करना पड़ता है, अच्छा लगता है घूमना। और लगातार काम करते करते ऑफिस, घर, सोना, खाना पीना, फिर ऑफिस, फिर घर, भागा दौड़ी का ज़िंदगी, बोर हो गया था मैं। सो इससे थोड़ा छुटकारा मिला, जितना हो सके मैंने घूम लिया, जितना जहाँ पे जा सकते थे सब जगह में मैंने गया। 3 दिन में और कहाँ जाएंगे, पूरा इंडिया थोड़ी ना घूम लेंगे, लेकिन जितना हो सके घूमें। बहुत अच्छा समय बीता है सबके साथ। अभी घर जा रहा हूँ तो थोड़ा मूड ऑफ लग रहा है, जैसा लग रहा है कि अभी भी आंखों के सामने वहाँ का सारा सीन, सारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। मिस करूँगा, बहुत मिस करूँगा उस सब प्लेस को। और फिलहाल मैं अभी हूँ डायमंड हार्बर रिवर साइड में, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो है ये डायमंड हार्बर रिवर है। और मेरा लास्ट वीडियो में जो था उसमें हम लोग ने रायचौक फेरी घाट से भाया वेसल, हम लोग ने अपने सब सारे राइडर्स का बाइक लेके क्रॉस किए थे रिवर। एंड अभी वो सारा फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं और थोड़ा शाम का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पे ठंडा ठंडा हवा है और देखो 8-9 सी साइड में जाने के बाद रिवर साइड में आके बैठा हूँ, फिर भी अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि समुंदर, बहुत पानी पानी चारों तरफ, बहुत बड़े बड़े लहर, और दीघा का समुंदर में आप नहा लो, जितना थकान है, जितना आपका मूड ऑफ है या जो भी है टेंशन है, सारा पूरा रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं कि रिवर साइड में आया है, बड़ा लहर नहीं है और फिर भी किसी को अच्छा नहीं लगता है, पानी सबको अच्छा लगता है। और यहाँ का जो व्यू है कैसा आ रहा है पता नहीं, लेकिन देखो वहाँ पे जो है सूरज बादलों के बीच पूरा ढक गया है और वो जो बहुत अच्छा कलर आ रहा है, कि योलिस कलर आ रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है वहाँ पे बादल। और ये पूरा डायमंड हार्बर का रिवर साइड है, जो कलकत्ता यानी गड़िया या साइंस सिटी राजरहाट, वहाँ से 70-80 किलोमीटर का डिस्टेंस है डायमंड हार्बर रिवर साइड। जो साउथ कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता से हैं बाइक पे आ सकते हैं, बहुत इजी है, भाया बेहाला, आमतला या पोइलन रोड भी आप पकड़ सकते हैं, वहाँ से स्ट्रेट पूरा आता है डायमंड हार्बर साइड। और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 1.5 घंटा में हो जाएगा आई थिंक। और कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा नहीं एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, बात करेंगे तब ना रिश्ता बनेगा, ऐसे थोड़ी रिश्ता बनता है। सो कमेंट कीजिए। एंड फेसबुक में मेरा पेज है ब्राभा राइडर्स बोल के, इंस्टा में भी मेरा पेज है ब्राभा राइडर्स बोल के, तो आप चाहे तो FB और इंस्टा में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं कहीं पे राइड करने से पहले वहाँ पे अपडेट दे देता हूँ, या जितना सारा फ़ोटोज़ मैं कैप्चर करता हूँ तो जो फ़ोटोज़ अच्छा आता है मैं वहाँ पे देता हूँ, वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे बाकी सारा फ्रेंड से मैं बात भी करता हूँ। तो आप भी तो मेरे दोस्त जैसे ही है, आप भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सो वहाँ पे आ सकते हैं।